नहीं आएगी, मेरी साइज है। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, अब तुम मुझे पता। गाड़ी हमारी नीचे जा रही है क्या? हाँ गाड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू। दम तो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्राउन डॉटा। आई एम जानवी तिवारी एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। सो आज बहुत इंटरेस्टिंग सा फन घर पे हम मस्त व्लॉग करेंगे। सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। आई जस्ट वोक अप, पहले खाते हैं। चलो गाइस, वी आर इन द किचन और बन रहे हैं थेपला चाय। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग, लव यू। आज मैं और मामा मिलके कुछ बनाने वाले हैं। हम क्या बनाएंगे? पाव भाजी। मम्मी ना घर जो कि हम लोगों की बहुत फेवरेट है और अब हमें पसंद थी, तो अब दीदी को भी धीमे धीमे पसंद आने लगती है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी और मेरी माँ बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर आपको टेस्ट करना है तो आ जाओ। मम्मी चलो, मुझे आज पता नहीं क्यों बट बहुत छींक आ रही है, पता नहीं बट बहुत दिनों बाद आ रही है। आई हेट दिस फीलिंग, छींक आने वाली। बट अभी मैं शावर लूंगी क्योंकि हमें कुकिंग करनी है, तो मम्मी मुझे किचन में आने नहीं देगी बिना शावर लिए। सो आई जस्ट टेक शावर एंड देन विल गो। आपको लास्ट टाइम याद है यहाँ पे एक मिरर रहता था जो टूट गया, सो आई ऑर्डर्ड दिस वन। ये देखो कितना प्रिटी है, इट इज इन हार्ट शेप एंड ये एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने लेंथ के हिसाब से। सो यहाँ पे मेकअप वीडियो बनाने में बहुत काम आता है, ये ब्यूटीफुल। आई ऑल्सो ऑर्डर्ड वन मोर थिंग विद दिस, ये मिरर ऑर्डर किया एंड आई ऑर्डर्ड दिस मैट, हैव अ नाइस डे वाला। हाउ क्यूट राइट, और इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आई लव इट। I just took shower and I'm going to do my skin care and hair care, so let's do it. So guys, that's how my makeup look turned out to be. Now I'm going to do my hair care and for that I will be using this. ये है L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum. अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते होगे तो आप लोगों को पता होगा, I have been using this for years. So basically मुझे बहुत ज्यादा frizz हो जाता है एंड ये frizz control में help करता है एंड दिस इज फॉर ऑल दी हेयर टाइप्स एंड ये ना renewed version है which is 16% lighter in formula compared to the earlier one. ये serum में है 6 rare floral oils, the combination of lotus, tiara, rose, flex, chamomile and sunflower which makes hair healthy and manageable for 24 hours. So dekh rahe ho kitne zyada soft, silky and shiny ho gaya without any stickiness. So I have been using this in multiple ways. So basically after shower main use karti hu to tame down those flyaways on my dry hair. I like to use it as a heat protectant and some days also as a DIY spa. So basically for an overnight treatment this works really well and iska na chota wala size bhi aata 30 ml wala which is perfect to travel around with and this retails for ₹649 which is totally worth it. So I'm going to link it down in the description box, do check it out. Mujhe bahut zyada pasand hai and thank you L'Oreal Paris for partnering with us in this video. Now let's go. Dekhte hain mamma ne kya kiya. Mummy kya taiyari ki? Mummy ice kha rahe ho na? Chupa chupa ke dekho, dekho aunty ko bolo, aunty bahut ice khati hain. Mummy bas aap nahi khao, please daal do. Guys, aaj kal ke ghar, ye ghar ki driver bani hai Janvi Tiwari. जाना पड़ेगा मम्मी सच्ची, पाव नहीं होंगे तो खाओ पाव क्या? नहीं और पापड़ी भी नहीं है, जा रहे पापड़ी लेने और पाव लेने। अब जल्दी चलो, 11:30 हो गए, खाना कब बनाएंगे। ऑल्सो लुक एट माय क्यूट आउटफिट, ये पैंट बाहर पहनने लायक नहीं है बट मेरे को इतना पसंद है। हाँ आपका भी बहुत क्यूट है। कैसे मम्मी? मेरे भी क्यूट है, मेरे बाल कलर करने, आज मेरे बाल कलर करवाने ऐसे करके नहीं। आप इतनी मुझसे ड्राइवरी करवा रही हो, अभी पेट्रोल डलवाओ गाड़ी में। सेठानी जी आई है तो सेठानी जी पैसे। ठीक है फर्स्ट थिंग
हमें काटनी है सब्जियाँ। मेरा छोटा चक्कू है क्योंकि मैं छोटी हूँ, और मम्मी का बहुत बड़ा चक्कू है क्योंकि मम्मा बड़ी है। बहुत बड़ी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमी ने बताया, हमने बता दे कैसी बनी है। लो मैं बताती हूँ। अब अपनी चीज कौन खराब बोलता है, अब बनी हुई अच्छी है तो आपको देखो नाटक गाइस। एक्चुअली काफी टेस्टी बनी है। आई विश आप लोग भी टेस्ट कर पाते कैमरा से। हेलो गाइस, पाव भाजी खा ली थी, नैप ले लिया, चाय पी लिया, एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी टू गो आउट। और क्या मस्त लाइट आ रही है। एंड आई जस्ट रिसीव दिस लिपस्टिक इन माई पियर, सो आई एम जस्ट यूजिंग इट। आउटफिट चेंज कर लिया क्योंकि मैंने उस पर बहुत दाग लगा दिए थे, सो आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट। ये टॉप ना मैंने सूरत के एक लोकल स्टोर से खरीदा था, WTF सूरत से, एंड दीज पैंट्स आर फ्रॉम H&M। नाइस, आई लाइक इट। लेट्स गो गाइस, हमारी कार वॉश होने लग गई है, मस्त प्रेशर से वॉश हो रही है। आई एम हैप्पी। आज मैं गाड़ी लेके जाऊंगी प्लीज। मेरे फ्रेंड मुझे बहुत कहते हैं मेरी गाड़ी गंदी रहती है, तो जब जब साफ होती है मेरे को लगा पानी में। इतनी फैंसी कार वॉश हमने कभी नहीं करवाया, पहली बार हो रही है। गाड़ी अपने आप आके जा रही है। ये सब क्या हो रहा है भाई? दीदी बारिश हो रही है, गाड़ी चलानी भी और गाड़ी चल रही है। प्लीज दे रही है तुम्हें। माय गॉड, उसने बोला कोई ब्रेक मत लगाना, तू कर देगा। ओह माय गॉड, नाइस। कैसे लग रहा है, कोई धक्का मारे। वेरी स्ट्रेंज डे गाइस, प्लीज। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, देखो। हम छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। कार वॉश में बड़ी मजा आ रही है, लेकिन ये कार में थोड़ी कार है, क्या हो रहा है, आप चल रही है। पानी गिर गया, साबुन गिरा है, साबुन गिरा है। अभी वो हम ब्रश के बीच में जा रहे हैं, वो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है गाड़ी के अम्यूजमेंट पार्क में। पहिए साफ हो रहे हैं मेरे। ये देखिए देखिए, ब्लू कलर का देखो ये आ रहा है। नाइस, ये देखो यार, 250 रुपए में और का चाहिए। 250 रुपए में एक्सपीरियंस हो गया, वन अंधेरा हो गया। ब्रश ऊपर होता है भाई, गाड़ी हमारी नीचे जा रही है क्या? हाँ, गाड़ी हमारी नीचे जा रही है। डूड, व्हाट द हेल इज दिस? ओ भाई भाई, किसी का कांच कमजोर हो तो टूट जाए भाई। जोरदार मजा आ गया मेरे को तो। देखो बारिश से हो रही है। आई एम फैसिनेटेड, कैसा लगा? 250 रुपए में बढ़िया, अजीब अजीब सा मेला देख के आ रही हूँ। अच्छा था, दिस इज अ गुड थिंग। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यहाँ आ जाओ। मस्त बस चमक गई है हमारी कार। अब हमें काम करना है गाइस, हम वो काम करके मिलते हैं आप लोगों को। लेट्स सी आवर कार। वाह यार, मस्त चमक गई है। गाइस हम सॉरी आए थे और क्रोसो खाने आए थे और बूटी बूटी व्लॉग करना भूल गए। हम इतने एंजॉय कर रहे थे तीनों, सो सॉरी गाइस। बट ये प्लान बनाते हैं घूमने का, वो बनता नहीं है। हमें घूमने जाना है 4 लोगों को, बट हम नहीं जा पाए, तो देखते हैं कब जाएंगे। बट मैंने ना थोड़े दिन पहले व्लॉग किया था, मस्त फैमिली कंटेंट, सो गो वॉच इट। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। Hi guys, I just woke up, मैंने ब्रश किया, वॉश किया मेरा फेस, एंड नाउ इट इज टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। चलो वेलकम टू आवर किचन।
हेलो हेतल आंटी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मम्मा. गुड मॉर्निंग मम्मी. मुझे क्या मिल रहा है? चाय और डोसा. डोसा. ओके. हेलो मम्मी, वहां पे बैठ के नानी से बात कर रही है. मैं बिस्तर पे हूँ और ये रही मेरी बहन. एंड वी आर जस्ट टॉकिंग. वी आर जस्ट टेकिंग बिग डिसीजंस ऑफ लाइफ कि हम कहाँ घूमने जाएं नेक्स्ट. एज अ फैमिली वी वांट अ ट्रिप गाइस. यस, क्योंकि हम चारों लोग नहीं गए हैं और हम चाहते हैं हम चारों लोग जाए. क्योंकि पता है अब पहले ऐसा नहीं होता, पहले हम सब एक साथ रहते थे. अब पापा दुकान से आते हैं लेट रात को तो हम पापा के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाते. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम चारों मिलके कहीं जाएं. और मम्मा को वैष्णो देवी जाना है. सो बेसिकली वैष्णो देवी एक ऑप्शन है और दूसरा है तार लेके नीचे आ गई हो. आज मैंने अपने आपको सिर्फ एक ही काम दिया है, मुझे ना एक वीडियो फिल्म करनी है. मैं सोच रही हूँ वो फिल्म कर लूँ, बट मुझसे लग नहीं रहा है कि मैं वो भी कर पाऊंगी. सो पता नहीं. और हम जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग आज, वो पक्का जाएंगे. क्योंकि अगर मैं घर में ही बैठी हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. बाहर चली गई तो आई माइट फील बेटर. सो यस. और मम्मी ने ना आज बनाई है गट्टे के आलू. क्या बोला तूने? बेसन के आलू, सॉरी. और उसको गट्टे की सब्जी बोलते हैं. और है भिंडी चावल रोटी. भिंडी चावल रोटी. यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है. यम इन माय टम. गाइस आपकी आंटी जी ना बहुत नखरे कर रही है आजकल खाना खाने में. प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा डांट दो ना आंटी जी को. आंटी जी को डांटो कि आंटी का खाना खाओ. आंटी जी दिमाग मत खराब करो, यही करती है वो. हर बार ना मैं आपको बताती हूँ मेरे दिमाग में नया इंस्टाग्राम वाला गाना चढ़ जाता है. मैंने लास्ट टाइम वो वाला स्टेप करके बताया था कि मुझे वो चढ़ गया. अब मेरे दिमाग में चढ़ गया नाइल इज अ रिवर इन इजिप्ट एंड योर हस्बैंड इज गे. स्टॉप इट. Get some help. मैं कैसी कश्मीर बातें कर रही हूँ. अगर किसी को बोल दिया तो लोग मुझे मारेंगे, बट मेरे दिमाग पे चढ़ गया. आज मैं सुबह से यही कह रही हूँ. गाइज गुड मॉर्निंग. देखो बहुत बढ़िया सन निकला हुआ है. वही दिन है, कोई अलग दिन नहीं है. आई जस्ट वोक अप. आई एम जस्ट गोइंग टू स्लैप ऑन सम मेकअप, फील गुड एंड देन विल गो आउट. आई एम गोइंग टू गेट माय हेयर वॉश डन और ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं. और ये देखो दो आलसी लोग. व्हाट अ डे गाइस, व्हाट अ डे. सम डेज एट तिवारी हाउस. वेरी रेयर डेज एट तिवारी. हां वेरी रेयर डेज तो वेरी रेयर, बट ठीक है. आई चेंज इन द आलसी यू गाइस. And I am ready. I'm wearing this dress that I got from Westside. काफी अच्छी, एकदम comfortable. You just throw and you're good to go. Let's go. Guys, देखो कितनी मस्त धूप आ रही है. I feel good. ये देखिए ऐसे गाड़ी चला रही है क्योंकि सामने से धूप आ रही है बहुत ज्यादा. हाँ एकदम ऐसे सन जी मेरे आंखों में मारो. और हम आ गए हैं आगम विव्याना. मैं करवाने वाली हूँ हेयर वॉश और आपके आंटी जी के बाल का ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि आंटी जी अपने बालों का ख्याल नहीं रखती. आंटी जी सिर्फ वीडियो में आके करती रहती है और कुछ करती है नहीं. बाल इतने खराब कर लिए मम्मी ने, खाती पीती है नहीं अच्छे से. सिर्फ यही करती रहती है कि पूरे टाइम आपके ब्लॉग में हंसाती रहती है. हंसाती तो रहती लेकिन अपना ध्यान भी तो रखना होता है. वो तो नहीं रखती. तो हम जा रहे हैं निर्वाण हेयर सैलून. मैंने वहाँ से हेयर कलर भी करवाया था. नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई रियली लाइक देयर सर्विसेज. बाल के लिए हम यही आते हैं ना मम्मी. गाइस कल महाशिवरात्रि है एंड मेरी दीदी फास्ट करने वाली है. लेट्स सी आई एम हंग्री फास्ट कैसे करते हैं. करूंगी मैं, देखना मजेदार करूंगी. टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है व्रत वाले टाइम पे. इधर भी वो प्रमोशन होने लगे, सीरियल प्रमोशन. पहले मम्मी मुझे यहाँ बैठाया करती थी बिग बाजार में. वो आ जाती थी. इमेजिन बिग बाजार ही आया करते है ना, पहले तब बिग बाजार ही था. यहाँ पे आ गए हैं अब बहुत सारे कपड़े भी. चलो हम लगते हैं हम टिश्यू ही लेने आते हैं यहाँ पे. टिश्यू क्यों लेने क्योंकि हमें चाहिए. तो इतनी गंदगी करती है ना मुझे और मम्मी को पूछना पड़ता है सब कुछ. जस्ट स्मॉल थिंग. ये हक कर रहे थे एयरपोर्ट गिर गया. चलो मैडम जी के दोनों खो गए गाइस. हम यहाँ मॉल में एयरपोर्ट ढूंढ रहे. अरे मैं मम्मी को तो हक कर रही थी और मैंने तो गिरा आवाज नहीं पर मेरे कान से निकल गया. मम्मी के पास था जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे बहुत पसंद थे गाइस. मेरा मन था मैं अभी भी ले लूँ एक.
ये एक मेरे बैग के लिए और ये एक तेरी कार के लिए। ब्रश किया कर, ब्रश। We are trying to eat healthy. लियो मम्मी। क्या ले रही मम्मी हमें? दूध में डाल के खाने वाला। कॉटन मम्मी। म्यूजली मम्मी। म्यूजली नहीं। म्यूजली। हम लोग ये खरीद रहे हैं। हम ये गैस पे रख सकते हैं। हमने ये इमेज देख लिया। कितना अच्छा लग रहा है। देख रहे हो? बिल क्या सामान रख रही है इधर से उधर। हर बार मम्मी यही पेमेंट करती है। बताओ हम आए हैं डिनर करने के लिए। आई लाइक दिस डे। माय व्यू इज बेटर देन योर्स। ओनली माय लेफ्ट साइड। एंड गाइस इट इज फेब। 2 महीने मैंने एक्सटेंशन नहीं करवाए मम्मी, है ना? अच्छे लग रहे हैं। देखो इसने इतने पैसे बचाने हैं, नेल एक्सटेंशन नहीं करवा के अभी प्रॉपर्टी खरीद सकती। इतना फालतू पैसा बर्बाद करती कि ना। ये बात तो खैर सही है। यस, मैं स्पेशल ओकेशन पे करवाऊंगी एकदम। व्हाट इज दैट स्पेशल ओकेशन? मे बी माय बर्थडे। बट उसमें मैं वही सोच रही हूँ, बर्थडे आना भी बहुत टाइम है। छोटे से बच्चा हो क्या कि बर्थडे बर्थडे करते रहते हो? अगर मैंने कोई इंटरनेशनल ट्रिप मारी उससे पहले तो यस ट्रिप्स पे करवाऊंगी ऐसा करूँगी। इंटरनेशनल ट्रिप नहीं, मुंबई तो हर दिन जाती रहती हूँ, उसको ट्रिप नहीं कहा। वेकेशन पे करता हूँ। गैस करो क्या आ रहा है। लकड़ी से पता चल जाएगा। लकड़ी से पता चल जाएगा। मम्मी एक चीज है। एक दूंगी मम्मी को। एक पनीर मखनी बोल। तो बेसिकली मखनी है यहाँ पे, पनीर है, चावल है, पापड़ है। इससे पेट नहीं भरता है, सूची सूची से पेट भरता है इससे, है ना? मतलब बहुत सरकारी लगती है। थैंक यू। वी आर बैक। और अब नई केटली आ गई है, सो मेरे को 10 बजे चाय पीने का मन कर रहा है। सो अब हम चाय पियेंगे नई नई केटली में। सो कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये टूटेगी या नहीं टूटेगी? कमेंट करो। ओ वाव, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। एक एक ऊपर नीचे जाते हुए दिख रहे हैं इसमें तो। ऑल्सो गाइज एस्थेटिक चीजें हटाते हैं, जैसे मम्मी ने चींटी हटा दी है। चींटी बहुत हो गई है क्योंकि ठंड है। मम्मी ठंड में ज्यादा चींटी होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं। सॉरी गाइस। कुछ भी खाने का आइटम गिर जाएगा तो। हाँ मतलब मुझे लगा ठंड में ज्यादा होती होगी। अब ओके गाइस हम अदरक कूट रहे हैं। आप डम तो हो, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा। मम्मी मुझे जीनो दीदी ने कहा था कि ठंड में चींटियां ज्यादा होती है तो जीनो भी डम। वैसे हमें चाय पीनी नहीं थी लेकिन हमें शौक था इसमें बनाने का। और कोई भी इस घर में ऐसा होता है, हम सबको, आप लोगों को भी ऐसा होता होगा कि कोई भी नई चीज आए तो उसको यूज पहले करना है। बिल्कुल। आप लोग को ये शौक है, हम को तो लोगों को तो ये शौक है, नई चीज आई, नए कपड़ा पहन लो। आप लोग कहते हो डेली व्लॉग दिखाओ। अब डेली व्लॉग में आपको चाय बनना देखना पड़ेगा क्योंकि हम तो चाय के हैं शौकीन। ओ मजा आ गया। वाह वाह मम्मी वाह वाह, कमाल हो गया। हमारी चाय बन गई है। लेची इसकी छन्नी वर्क कर दी है हमने। प्रॉपर तो नहीं लग कर रही है, चीज तोड़ लिया है। मुझे भी अच्छी। चलो नाइस। मम्मी अब दादी को दिखाने यहाँ ले आए बेड पे। हाँ दादी को ये चीज नहीं है, मेरे लिए नहीं है तो दादी के लिए क्यों? और दादी बढ़िया चाय बन गई इसमें। दादी को ले आ रहे चाय। गाइस मैंने ना अंगूठी मंगवाई है और मम्मी पापा को पहना रही है, बट नहीं आएगी, मेरी साइज है। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, अब तुम मुझे पहनाओ। दिखाओ पापा। पापा पता है ये कौन पहनता है? रैपर्स पहनते हैं पापा। Asked for this, but I'm gonna tell you, this chai is not normal chai, जो हम बनाते हैं उसमें क्या कहते हैं दीदी, हम चाय किसमें बनाते हैं? जिसमें हम बनाते हैं ना, कुकर में। उस जैसी चाय नहीं है ये अलग है टेस्ट में। Guys, I've changed and I'm wearing this really cute night suit जो मैंने वेस्ट साइड से लिया था। And बस बड़े पापा बड़ी मम्मी कजिन आ रहे होंगे, so I'm waiting for them. I'm going to remove my makeup and do my skin care.
लाने के लिए गई थी, मम्मी को पता चल गया है अब ठंडी में ही चींटी होती है। मम्मी क्या कहना चाहोगे? ठंडी में ही नहीं, कुछ खाना भी गिरने से चींटियां हो जाती हैं। पर मम्मी ऐसा वो बताना चाहती है कि ठंडियों में भी चींटियां होती है। ठंडियों में ज्यादा चींटी होती है। चलो ठीक है, होती है, ठीक है। थैंक यू बड़े पापा मेरी साइड लेने के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग, आई वोक अप, आई टुक शावर क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। सो विशिंग यू ऑल अ हैप्पी महाशिवरात्रि। जो सेलिब्रेट कर रहा है उन्हें, अब हम नीचे चलते हैं। काफी लोगों ने फास्ट रख रखा है, मैंने नहीं रखा है, शैली दीदी ने नहीं रखा है, एंड आज जीनू दीदी का बर्थडे भी है, सो वो भी आएंगे तो बहुत मजा आने वाली है। चलो लेट्स गो, और मुझे ना मूवी भी देखने जाना है शहजादे। लेट्स कन्विंस मम्मा एंड दीदी एवरीवन कि हमें मूवी देखने जाने, तो अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कभी और जाएंगे। बट अभी नीचे चलते हैं, मैं सबसे लास्ट हूँ जो नीचे जा रही हूँ। आरती हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वाह सब बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। मम्मी इसमें चाय क्यों बनाई? तो उसमें इतने लोगों को कैसे होती है? मम्मी बड़ा दिल की बात कर रहे थे। कोई नहीं, हैप्पी बर्थडे जीनू दीदी। हैप्पी बर्थडे क्यों लिखवा रही? ऊपर लिखा है हैप्पी बर्थडे, सिर्फ जीनू दीदी लिखवाना। और बाजू में एक दिल बना देना, एक दिल। जीनू दीदी को बहुत क्यूट लगती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस बहुत पारिवारिक माहौल हो रखा है घर पे। पारिवारिक पारिवारिक बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहली बार बड़ी जल्दी नंबर आ रहा है।